अगर आप नहीं बताएंगे हमारे शिष्टमंडल आपसे संपर्क करेंगे। हम भीड़ की गिनती दिखाने नहीं आए हैं। परेशान होता मजदूर, आज पीसीआर अब तक परेशान नहीं होता है। मैडम मैडम समझदार है, समझी है बात को। मुझे ये बताइए, हाँ ये ट्रेन 20 को चलेगी, संभावना है? मैडम आई है चल के, आना नहीं था। हाँ आप मैडम, जो आपकी ये वाली ट्रेन है भागलपुर वाली, जी सर, ठीक है। मैं आपको कल से डेली, आप शायद आपसे मेरी कल से परसों से बात हो रही है, जी जी, इसका स्टेटस आपको लेके डेली बताऊंगी। इलाहाबाद से नहीं चल रही थी, उसका क्या हो रहा है, हमारे बॉम्बे कॉन्सेस के पीछे लगे हुए हैं। जहाँ तक आपकी बात है गोरखपुर और वाराणसी वाली ट्रेन की, ठीक है, जैसे आपने बताया कि ये ट्रेन आप खड़े रहती है, मैंने पता किया खड़े ही रहती है, लेकिन हम आप एक बार DRF से आके आपको कल मिल ही रहे हैं। आप इसकी पूरी प्रपोजल रखिए, हमारी देखिए हमें गायनाथ टिक्चर में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ट्रेन के डिब्बे भी तो होने चाहिए, समझ रहे। प्रॉब्लम सच में यही है कि ट्रेन के, देखिए पिछली बार कामाख्या 5 डिब्बों से कम आई थी, डिब्बे नहीं है। हम लोग पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ट्रेन यहाँ पर आए, ठीक है। आप, मैं भी नॉर्थ से ही हूँ, मुझे भी जाना होता, मैं भी अपने घर साल से एक बार से नहीं जा पाती हूँ, इसी वजह से तो सपोर्ट करिए मैम, मैं सपोर्ट करिए। क्या मैडम मेरा कहना है, मैं डेली आपकी ट्रेन का स्टेटस लूंगी, आप किसी भी नॉमिनेट कर दीजिए जो मुझसे बात कर ले। सदैव भाई मैडम मैडम एक मिनट, जो भी हो जो भी, मैडम मेरा कहना है रेलवे को ट्रेन का बोगी कम है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसी देश में बुलेट ट्रेन की बात भी हो रही है, बिल्कुल सही बात है। ये पूरे उद्योग धंधा हम ही लोग के कंधे पे चलता है और ये मेरा हक है, कोई एहसान नहीं है। ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है कांडला पोर्ट और सरकार बना रही है, मजदूर को लाने की क्या योजना है बात करना पड़ेगा, क्योंकि इस मजदूर ने भरोसा हम पे जताया है। यहाँ की जब रेलवे की सलाहकार समिति बनती है हमें उपेक्षित कर रहे हैं। ये सांसद महोदय हमारे भी है, हमने भी वोट दिया है और उत्तर भारत के लोगों को एक एक वोट का नतीजा है कि आज जयपुरुष मोदी जी बैठे हैं। हम भारतवर्ष के दूत हैं, हम यहाँ की अच्छाई बुराई बता रहे हैं। बात रेलवे की नहीं हो रही है, बात हो रही है इस व्यवस्था का। हम जाए कहाँ, सुनेगा कौन? आपको चल के अगर 5 मिनट आगे रहती तो शायद इतना टाइम नहीं लगता, संवाद ही तो करना है। हम उत्तर भारत के लोग, हम बड़े शिष्ट हैं, हम सम्मान करना भी जानते हैं और सम्मान के साथ अपना हक लेना भी जानते हैं। हमें कोई बेवकूफ नहीं समझे, हम बोरी जरूर ढो रहे हैं, लेकिन देश में क्या चल रहा है हम जरूर देख रहे हैं। इस कांडला पोर्ट 5-स्टार होटल में दावा करता है 1 लाख मैट्रिक टन का, ये आदानी सबसे बड़ा पोर्ट हो गया, सरकार ने 90,000 करोड़ दिया है, कौन हिसाब पूछेगा? हम पूछेंगे। ये उत्तर भारत के माइकल लाल पूछेगा कि हिसाब ट्रेन नहीं चल रही है। आप कमाचा भी रखिए, एक एक बोगी में ये मजाक लिए रुके हैं हमारे साथ, ये सरकार है कहाँ, ये गोयल साहब कहाँ है, ये मनोज सिन्हा जी कहाँ है, हम किसे बात करें? मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूँ, हम हमारे गार्जियन करेंगे, हम मैडम बता रहे हैं। और उत्तर भारतीयों के साथ में क्यों अन्याय होता है? हमारे साथ अन्याय क्यों होता है? ठीक है, आपका क्यों करते हो? हम सब ठीक है, हमारे अंदर है और इनका बिहार की खुशबू है, ये बात नहीं होना चाहिए मैडम। अरे दर्द तो बांटने दिए, अभी चलिए, अभी हो गया। एक ही कहना है, विषय बहुत है, कंक्रीट करता हूँ, एक ट्रेन 20 को चलनी चाहिए, दूसरी जो भी प्रपोजल है मुझे गंभीरता से सुना। देखिए अगर आप एक बार, अगर आप कामाख्या में देखिए, जो हमने इसके कोच बदल गए, देखा आपने डिब्बे बदल गए हैं, कैपेसिटी बदला है ट्रेन का, जहाँ मुझे एक ट्रेन खराब निकलेगा, एक बजे तक आती है और जाती है, वो भी हमने उल्लेख किया हुआ है। मेरा नंबर उसके लिए मैं मैडम।